आज की शुरू बात करूंगा गैस एजेंसी मैनेजमेंट के बारे में। ये फ्रेंड उन लोगों के लिए जो डीलर जो गैस का बिजनेस करते हैं फ्रेंड, यहाँ पे जो बिजनेस होता है वो रिफिलिंग क्या होता है और एम्प्टी क्या होता है। फ्रेंड रिफिलिंग गैस की जो होती है हमारे, वो रिफिलिंग गैस हम यहाँ पे सेल करते हैं और एम्प्टी जो खाली गैस होती है उसको हम कलेक्शन करते हैं। फ्रेंड उसके बाद जो होता है हमारा डिलीवर मैन आपके घर तक वो डिलीवर देता है या फिर आपको कहीं से वो डिलीवर लेनी पड़ती है। जी फ्रेंड सबसे पहले जो आता है वो हमारा परचेस की एंट्री होती है परचेसिंग, सेकंड जो होते हैं हमारे रिफिलिंग गैस की सेल होती है, थर्ड एम्प्टी गैस की कलेक्शन करती है। हाउ टू वर्क इन टैली फ्रेंड, ये टैली पे किस तरह करती है फ्रेंड, जाने की वीडियो को तक जरूर देखें। फ्रेंड मैं यहाँ पे टैली पे आ चुका हूँ। टैली पे आने के बाद मैं आपको यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो में आया। इन्वेंट्री इन्फो में आने के बाद मैं आपको यहाँ पे स्टॉक आइटम दिखा देता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दो स्टॉक आइटम बनी हुई है एचपी गैस की, वो 15 केजी एंड 13 केजी की। तो मैं यहाँ पे 15 केजी वाले आइटम को मैं आपको ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैंने एक और आइटम बनाई है जो 30 केजी की जो एचपी की गैसेस है उसको यहाँ पे मैंने दो आइटम यहाँ पे मैंने बनाई है। मैं यहाँ पे दो आइटम बनाई है। आपको दो आइटम बनाने के बाद फ्रेंड आपको करना क्या है, आपको मैं यहाँ पे स्टॉक भी दिखाता हूँ जो हमारे पास यहाँ पे एक भी स्टॉक नहीं है। तो हम यहाँ पे जो एंट्री करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे परचेस की एक एंट्री पास करेंगे। तो सिंपली आपको यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स में आ जाए। अकाउंटिंग वाउचर्स में आने के बाद यहाँ पे से आप सिंपली आप परचेस करें। तो यहाँ पे मैं परचेस की एंट्री ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे परचेस की एंट्री मैं यहाँ पे जैसे हमारा जो सप्लायर हो गया, हमारा जो सप्लायर है इंडिया सुपर गैस एचपी गैस प्रोवाइडर से, मैं यहाँ पे कुछ परचेस कर ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक परचेस की एंट्री पास कर ले रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो आइटम बनाई थी एचपी गैस की 15 केजी एंड 30 केजी की। तो मैं यहाँ पे 100 केजी मैं यहाँ से परचेस कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे 100 केजी एंड 1000 इच मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। और यहाँ पे हमारे जो टैक्सेबल आइटम है तो मैं यहाँ पे टैक्सेबल हम यहाँ पे IGST क्रिएट करेंगे और इंटर करते हुए मैं इससे वाउचर को यहाँ पे सेव कर ले रहा हूँ। तो फ्रेंड ये मैंने परचेस की एंट्री ले ली और हमारा स्टॉक पे भी आ गया। चलिए हम उसको स्टॉक में दिखा देते हैं। ये देखिए हमारा स्टॉक भी, हमारे पे स्टॉक भी आ चुके हैं हमारे पास। तो फ्रेंड आपको यहाँ पे करना क्या है, इसके बाद फ्रेंड मुझे यहाँ पे सेल करनी है, क्योंकि परचेस करने के बाद हम सेल ही करते हैं। तो सिंपली आप सेल पे आ जाएं। सेल्स पे आने के बाद जो हमारा जो डेटा रस है, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक लेजर बना रखा है पंजाब स्वीट हाउस जो हमारा कस्टमर है, तो मैं इसे फर्स्ट टाइम सेलिंग कर रहा हूँ। तो सेलिंग करने के लिए क्या प्रोसेस है, चलिए मैं इस पार्टी का आपको मैं लेज़र ओपन करके दिखाता हूँ। तो सिंपली आप कंट्रोल इंटर करें और कंट्रोल इंटर करने के बाद फ्रेंड ये जो पार्टी है इसका लेज़र आपका ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ओपन सिलेंडर स्टॉक, तो मैं यहाँ पे इसे यस कर लेता हूँ। यस करने का पर्पस ये है फ्रेंड कि मैंने यहाँ पे जो इस पार्टी का जो भी प्रोफाइल होगा, लाइक हम जब फर्स्ट टाइम किसी पार्टी को सेलिंग के लिए देते हैं तो वो वहाँ पे मुझे मैन्युअली नोट डाउन करना होता है। तो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर ले रहा हूँ ताकि मैं इसे किस डेट में कौन सा गैस दे रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे आइटम दे रहा हूँ और कितना ये सिक्योरिटी रख रहे हैं। फ्रेंड ये सारा प्रोसेस गैस सिलेंडर वाले में ये प्रोसेस होता है। तो मैं यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन है कि मैं इसे कौन सा गैस दे रहा हूँ विथ सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी में आपका यहाँ पे कितने आप इसे गैस प्रोवाइड करा रहे। तो मैं यहाँ पे 15 केजी वाला जो गैस है मैं यहाँ पे 10 दे रहा हूँ, और विदाउट सिक्योरिटी जो गैस है मैं इसे यहाँ पे मैं विदाउट सिक्योरिटी वाला जो गैस है मैं यहाँ पे इसे दे रहा हूँ 5 पीसेस। और यहाँ पे जो HD जो रेट है हमारा सिक्योरिटी का रेट, यहाँ पे देख सकते हैं 500 दिया, तो 500 × 10 विथ सिक्योरिटी के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है। जी हाँ फ्रेंड, हम पैसा उन्हीं को लेते हैं जो सिक्योरिटी जितनी सिलेंडर की हमने उनसे ली है, तो हम यहाँ पे सिंपली उसी तरह से लेंगे। जैसे फिर मैं नेक्स्ट जो हमारा गैस है वो 30 केजी का है, तो मैं 30 केजी लेते हुए यहाँ पे विथ सिक्योरिटी मैं यहाँ पे 10 रख रहा हूँ, और 5 देते हुए इसका जो अमाउंट होगा वो यहाँ पे 1000 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 1000 ले ले रहा हूँ, पे 1000 रख लिया। और 1000 रखने के बाद मैं इसे सिंपली इसे मैं यहाँ पे आपको मैं फिर एक बार अब दिखा दे रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो विथ सिक्योरिटी जो हमारा था वो हमारा 20 हो गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे और जो विदाउट सिक्योरिटी था वो 10 है, और टोटल यहाँ पे आपको यहाँ पे एक फिगर मिल जाती है। तो यहाँ पे सिंपली मैं इसे सेव करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और एक्सेप्ट करने के बाद आपको करना क्या है, आप यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा 100 सिलेंडर स्टॉक पे भी आप जाके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन रखा है, आप यहाँ पे यस करके आप देख सकते हैं उसका यहाँ पे प्रोफाइल ओपनिंग बैलेंस वगैरह सारा कुछ अपने आपको देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 15 पीसेस मैंने उन्हें स्टॉक में दी थी उसको ओपनिंग समय, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे सेलिंग करनी है फ्रेंड, जो मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ इसे,
वो यहाँ पे 15 kg का गैस और 30 kg का HP का गैस सिलेंडर है। आप यहाँ पे साइज़ देख सकते हैं, साइज़ भी आपको ऑप्शन मिलेगा। और यहाँ पे जो 15 kg का गैस है, मैं यहाँ पे 15 kg रख लिया। और यहाँ पे रिफ़िल, आप रिफ़िल गैस उसे कितना दे रहे हैं, फ्रेंड यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन में आपको मिलेंगे। रिफ़िल एम्प्टी, तो मैं यहाँ पे रिफ़िल गैस 5 kg प्रोवाइड कर रहा हूँ पाँच पीसेस में। और यहाँ पे मैं रिफ़िल गैस इसे 5 पीस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे रिफ़िल में 5 करूँगा। एम्प्टी अभी कुछ नहीं, इसे कलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो हमारा अमाउंट होगा वैल्यू एडिशन यहाँ पे आप लगा लेंगे और सिंपली है। और नेक्स्ट जो हमारा है 30 kg का, भी मैं इसे सेल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 30 kg लेते हुए आप जितना रिफिलिंग है सेल करेंगे यहाँ पे फील्ड पे आप दे दें। और यहाँ पे इंक्लूसिव वाले रेट में मैं यहाँ पे अपना जो हमारा अमाउंट होता है वो अमाउंट यहाँ पे फिल कर ले रहा हूँ। आप यहाँ पे इस अमाउंट को यहाँ पे फिल कर लें और सिंपली जो भी आपका टैक्सेबल आइटम होगा उसे आप सिंपली इस तरह से टैक्स लगाते हुए CGST एंड हमारा जो CGST एंड SGST आइटम है, यहाँ पे CGST SGST लगाते हुए मैं इस वाउचर को यहाँ पे सेव कर लूँगा। फ्रेंड रिपोर्ट दिखाता हूँ आप, जैसे कि यहाँ पे MIS में आपको रिपोर्ट मिलेगा पार्टी वाइज सिलेंडर स्टॉक समरी। आप हर पार्टी वाइज सब सिलेंडर की रिकॉर्ड देख सकते हैं। हमारे पंजाब से टॉस का हमारा जो डेटा था उसका हमने 15,000 उसके जो टोटल अमाउंट हुई, और उसके बाद जो हमारा ओपनिंग था और क्लोजिंग आप देख सकते हैं। रिफिल गैस हमने कितना प्रोवाइड किया और हमारे पास क्लोजिंग कितनी बची है, ये सारा डिटेल आप देख सकते हैं। फ्रेंड इसके बाद क्या होता है कि कुछ गैस सिलेंडर की भी एंट्री करनी होती है, जैसे कि कुछ खाली सिलेंडर गैस भी आपके पास वापस आता है, तो सिंपली आपको करना क्या होता है, उसके लिए आपको यहाँ पे F9 पे परचेस वाले ऑप्शन में जाना है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन ही मिलेगा परचेस एम्प्टी गैस, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपको करना क्या है, यहाँ पे जिस पार्टी से आप रिसीव कर रहे हो, जिस पार्टी से ले रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे पंजाब स्वीट हाउस से ले रहा हूँ, तो पहले मैं इसको प्रोफाइल भी आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है देख सकते हैं, आप यहाँ पे 20 पीसेस मैंने यहाँ पे गैसेस को दिए, 15 हमारा ओपनिंग था और 5 जो मैंने उसे रिफिल गैस दिए। तो फ्रेंड इस पार्टी से मुझे कुछ रिफिलिंग जो गैस थी वो खाली गैस मैं यहाँ पे से रिसीव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे उस गैस का यहाँ पे सिलेंडर का वहाँ पे आप फिल करना होगा। जैसे मैं 15 kg गैस इससे खाली गैस हमसे यहाँ पे मैं यहाँ पे रिसीव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं 5 MT ले रहा हूँ उससे सिलेंडर। और यहाँ पे 30 kg वाला भी मैं 5 पीसेस यहाँ पे ले रहा हूँ, तो एम्प्टी एंटर लेते हुए सिंपली आप इसे एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्ट करने के बाद मैं आपको यहाँ पे रिपोर्ट चल के दिखाता हूँ, रिपोर्ट में क्या इफेक्ट आया आप देख सकते हैं। यहाँ पे उस पार्टी से हमने 10 पीस उसे रिफिल गैस दिया था सिलेंडर, और मैंने उसे 10 पीस वापस आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं वो एम्प्टी गैस मैंने यहाँ से उसे रिसीव कर लिया। तो टोटल मैंने जो इसका सिक्योरिटी था वो ओपनिंग और क्लोजिंग बच गया। फ्रेंड आप यहाँ पे सेल करते समय भी आप यहाँ पे रिसीव कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जब सेल कर रहे होते हैं फ्रेंड, तो सेल के समय में भी आप उस गैस को कुछ रिफिलिंग और गैस प्रोवाइड करते हो और कुछ एम्प्टी गैस उससे आप कलेक्शन करते हो। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे फिर से स्टॉक दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे रिपोर्ट आप देख सकते हैं। आप जब भी एंट्री करेंगे तो आपको यहाँ पे आपको रिपोर्ट देखने को मिल जाएगा, आप रिपोर्ट यहाँ से चाहे तो देख सकते हैं। और फ्रेंड इसके साथ साथ आपको जो भी एक बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है टैली पे, कि आप यहाँ पे जब भी आप सेलिंग करोगे, सेलिंग करते समय आपको यहाँ पे रिफ़िल का जो ऑप्शन है, यहाँ पे आप उसे कितना आप रिफ़िल गैस उसे प्रोवाइड करो यहाँ पे दे सकते हो, और कितना उससे रिफ़िल जो एम्प्टी जो है जो हमारा सिलेंडर वहाँ से आप रिसीव भी ले सकते हो। तो चलिए इसका इफेक्ट क्या आता है टैली पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 30 kg का 2 पीस रिफ़िल गैस ऐसे दे रहा हूँ, और बदले में मैं इसे 5 खाली सिलेंडर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इस तरह से आप एंट्री कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले लिया CGST लगाते हुए मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। चलिए मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ। मेनली रिपोर्ट होता है जितने भी आपके डीलर है, जितने भी वर्क करते हैं उनको मेनली रिपोर्ट चाहिए होता है, तो इसका बिल पे भी क्या इफेक्ट आता है। मैंने बिल पे भी बहुत ही अच्छी रिपोर्ट बनाई है। चलिए मैं आपको बिल पे रिपोर्ट दिखाता हूँ कि रिपोर्ट पे इसका क्या इम्पैक्ट आता है। तो जैसे मैं यहाँ पे एक सेल की बिल को ओपन करके दिखाता हूँ, तो यूज़र अपने बिल फॉर्मेट देख के भी समझ जाएगा कि आपका जो बिल है वो बिल पे भी आपको यहाँ पे सारा रिपोर्ट देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं आपको नीचे यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ, आप देख सकते हैं जो हमारा ओपनिंग था, उसके बाद मैंने आपको रिफिलिंग कितना दिया, उसके बाद आपके पास एम्प्टी गैस मैंने आपसे कितना कलेक्ट किया, और अभी आपके पास अवेलेबल बैलेंस कितनी है, ये सारे रिकॉर्ड आपको एज ए बिल फॉर्मेट में देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद फ्रेंड मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, जो रिपोर्ट तो आप यहाँ पे देख के और भी क्लियर हो जाएगा कि आप यहाँ पे देख सकते हो उस पार्टी का सारा रिकॉर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपने उसके पास ओपनिंग कितना था, आपने रिफिल गैस उसको कितनी प्रोवाइड की, आपने उसे एम्प्टी खाली गैस आपने कितनी कलेक्ट की, और अभी उसके पास कितनी गैस से क्लोजिंग अवेलेबल है, ये सारा रिपोर्ट समरी आपको यहाँ पे देखने को बहुत आसानी से मिल जाएगा, जो एक बहुत
इफेक्टेड होता है फ्रेंड एक गैस डीलर लोग के लिए जिस पे ये वर्क करते हैं। मैन्युअली काम करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो फ्रेंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, इफेक्टेड लगा और आप सॉफ्टवेयर बाय करना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका सारे डिटेल दे दिए हूँ। और फ्रेंड वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और भी ये वीडियोस बनाता रहूं, लाता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग्स।